The Dawn Express, Aina Sashka. राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित परिकुल भारद्वाज की शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने सभी पुरस्कृत बच्चों को उज्जवल और सफल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परिकुल को स्वहस्ताक्षरित घड़ी और परीक्षा पर एक पुस्तक भी भेंट की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 की विजेता परिकुल भारद्वाज को प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर सम्मानित भी किया और बातचीत भी की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान विस्तार से परिकुल ने अपनी विशेष उपलब्धियों के बारे में बताया और अपनी आकांक्षाएँ मोदी के साथ साझा की। प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। गणतंत्र दिवस पर परिकुल को आर्मी की ओपन जिप्सी में भी राजपथ पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परिकुल भारद्वाज से मिले और उनकी उपलब्धियों के विषय में उनसे पूछा तो परिकुल ने प्रधानमंत्री को बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज टीम के साथ केदारनाथ में सेवा दे रही हैं। भारद्वाज ने उन्हें बताया कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े, इसके लिए भविष्य की कई योजनाओं पर कार्य भी कर रही हैं। 13 वर्षीय छात्रा द्वारा किए जा रहे साहसिक सामाजिक कार्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परिकुल को शुभकामनाएँ दीं। लगातार 3 वर्षों से परिकुल अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान हिमालय की ऊंची चोटियों पर निस्वार्थ रूप से प्रतिवर्ष 45 दिनों तक केदारनाथ के दर्शन के लिए आए तीर्थयात्रियों की 14,000 फीट पर -7 डिग्री तापमान में अथक सेवा प्रदान करती रही हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर परिकुल को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पुरस्कारों से बहादुर बच्चों को जानने का अवसर मिलता है और यह पुरस्कार दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपने लक्ष्य में पूरी मेहनत से काम करें और दिन में कम से कम 4 बार पसीना जरूर निकालें। परिकुल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी केदारनाथ की गुफा में रुके थे और 6 सिग्मा के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी की थी। यात्रा के बाद मोदी विशेष रूप से 6 सिग्मा टीम लीडर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज से मुलाकात की थी। हर्ष व्यक्त करते हुए परिकुल भारद्वाज के पिता डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा, बेटी परिकुल हाई एल्टीट्यूड में सामाजिक कार्यों में सबसे कम उम्र में सबसे अलग काम किया है। यह अवार्ड एक अच्छे विचार व संस्कार की देन है। परिकुल की मां अनीता भारद्वाज ने कहा कि बेटी ने पूरे परिवार व देश का मान बढ़ाया है। आज समस्त राष्ट्र परिकुल एवं उनके परिवार को सलाम करता है और उन पर गर्व अनुभव करता है। ज्ञातव्य है कि उनके अभिभावक एवं उनके दादा दादी ही सदैव उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं।